की पूरी कथा सुनाकर काकभूषुंडी उस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं जब उन्होंने प्रभु से भक्ति का वरदान मांगा था। उन्हें प्रभु की उस अविरल तथा निष्काम भक्ति की कामना थी जिसकी महिमा श्रुतियों तथा पुराणों में गाई गई है। एवमस्तु कहकर रघुनाथ जी कहते हैं, हे काक, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, अतः ऐसा वरदान क्यों करना मांगता। तूने तो सभी सुखों का स्रोत मांग लिया। तेरे समान परभागी इस संसार में अन्य कोई नहीं जिस भक्ति को मुनिजन जप और योग की अग्नि में शरीर को जलाकर भी नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी है। अब तेरे हृदय में सभी गुणों का वास होगा, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनका रहस्य तू सहज ही जान जाएगा। माया से उत्पन्न होने वाले भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेंगे। यह वरदान देकर प्रभु ने काकभूषुंडी को निज सिद्धांत की सीख दी। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, इसके सभी जीव मुझे प्रिय हैं, किंतु सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। उनमें भी वेद के अनुसार धर्माचरण करने वाले, उनमें भी वैराग्य धारण करने वाले, फिर ज्ञानी, ज्ञानियों में भी विज्ञानी, विज्ञानियों में भी अति प्रिय वो हैं जिन्हें केवल मेरी भक्ति का सहारा और भरोसा है। Thank you.